मार्क्स बिटवीन टू ंड्रेड ठीक है तो इनके पास कौन कौन से ऑप्शन है इसके अलावा हमारी टीम को कर सकते हैं यू यू इफ फेवरेबल ब्रांच और इफ यू फेवरेबल कॉलेज या स्टेट ठीक है तो आप हमारी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे थ्रू अपनी जो काउंसलिंग है हमारे जो पेड काउंसलिंग सर्विस अवेल कर सकते हैं ठीक है आपको हम कंफर्म अलॉटमेंट करा के देंगे आपके मार्क्स और रैंक के अकॉर्डिंगली ठीक है तो वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे पहले बता दूं आपको एक टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है हमने उसके सारे अपडेट्स आपको कट सुनी, सारे वहाँ पे मिलते रहते हैं तो आप उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले और हमारा इंस्टाग्राम भी आप जरूर फॉलो कर ले वहां पे भी आपको सारे अपडेट्स रेगुलर आपको मिलते रहेंगे इन सभी का जो लिंक है इट इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन चेक इट आउट एंड यू कैन सब्सक्राइब आवर टेलीग्राम चैनल सो दैट यू कैन नॉट मिस अ सिंगल अपडेट ठीक है

ठीक है आपको वो चाहे ऑल इंडिया कोटा से और स्टेट से आपको दोनों से वो मिल सकती है ठीक है नॉन क्लिनिकल हायर क्लिनिकल मिडल क्लिनिकल लोअर क्लिनिकल आपको इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा गवर्नमेंट में ठीक है जनरल ओबीसी की बात करी और SC में यू कैन एक्सपेक्ट लोअर क्लिनिकल ब्रांचेज ठीक है जैसे कि एनसीशिया हो गया ई हो गया और इसके अलावा ऑप्थेलम हो गया तो जितनी भी सारी ब्रांचेज हैं यू कैन एक्सपेक्ट इफ यू बिलोंग टू एस सी कैटेगरी एंड इफ यू बिलोंग टू एस टी कैटेगरी ऑल द ब्रांचेज आर पॉसिबल

three of branches uh, which are the higher clinical which are considered high uh, high clinical uh, branches that are radiodiagnosis dermatology and general medicine so in sc category you can expect accept, uh, accept all the branches except three, uh, these three branches and if i talk about st category uh, all the branches are possible okay except two branches that are radiodiagnosis and dermatology general medicine you can expect in st category okay next we will move on to एन बी डिप्लोमा सो डिप्लोमा ठीक है अगर इफ यू बिलोंग टू जनरल मोपअप मोपअप तक आपको वेट करना होगा इसके बाद आपसी में भी जा सकते हैं डीजीओ के लिए सो so, डीजीओ को बट डीएमआर uh, की बात करें सो यू विल गेट इन फर्स्ट और सेकेंड राउंड वेरी इजिली ठीक है बात कर रहे तो हैं एस सी कैटेगरी के बारे में तो एस सी कैटेगरी में ऑल द ब्रांचेज आर पॉसिबल एक्सेप्ट बी एम आर डी एंड इफ यू बिलोंग टू एस टी द हायर क्लिनिकल मिडल क्लिनिकल एंड लोअर क्लिनिकल ब्रांचेज आर पॉसिबल ठीक है अब हम बात करते हैं यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में अगर आपका बजट देखा आपका बजट अच्छा होना चाहिए बिकॉज थ्री फिफ्टी से लेके फोर हंड्रेड मार्क्स के बीच अगर आपको हायर क्लिनिकल देखना है तो आपको जो रैंक रह सकती है बेसिकली जो कॉलेज की फीस रह सकती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज की न बी स्टार्टिंग लाख रुपीज ठीक है जनरल मेडिसिन की अगर आप देख रहे हैं डरमा की देख रहे हैं रेडियो की तो फोर्टी लैख से ज्यादा इवन इट कैन गो अपू सेवेंटी फाइव लाख रुपीज ठीक है और कहीं कहीं जगह एटी लैक्स भी है जैसे राजस्थान स्टेट जैसे है ठीक है तो मिडल क्लिनिकल आपको अगर आप देख रहे हैं जनरल सर्जरी हो गया ओब्स गाइने हो गया और इसके अलावा और भी पीडीए हो गया तो थर्टी लैक्स तक आपको आ, फीस 30 lakhs, फीस स्टार्टिंग पर के आपको उसमें मिल जाएगा एंड इफ यू आर लुकिंग बट नॉट लेस ट्वेंटी लाख रुपीज ठीक है सो वी विल मूव ऑन टू प्राइवेट गेटिंग मार्क्स फ्रॉम थ्री फिफ्टी टू फोर हंड्रेड विच आर अवेलेबल इन प्राइवेट सेक्शन Uh, so, if you are like uh, willing for radio and dharma, then you have to pay above 25 lakh rupees per annum fees. And the states available for uh, you guys are UP, Haryana, Rajasthan, Pondicherry, and Bihar. And also these are the open states you can go for. If you belong to some other state which uh, have uh, which have no seats basically or lesser seats, so you can apply in those states with uh, with less fees basically. But you are uh, getting if you are getting marks from three fifty to four hundred, then Uh, uh, राजस्थान में आपके बहुत अच्छे चांसेस के बट यूपी में भी देख सकते हैं हरियाणा में आपको एस मिल सकता है ठीक है यहाँ पे जो फीस थर्टी फाइव लैक्स के ऊपर की स्टार्ट होती है रेडियो डरमागी एज वेल एज सेम फॉर यूपी यूपी में आप नॉन माइनॉरिटी सीट्स है वो देख सकते हैं ठीक है उसमें आपको जेटर मेडिसिन भी मिल सकती है ठीक है बिहार है बिहार में रैंक अगर आपकी ज्यादा भी है मार्क्स कम है तो मिल जाएगा साइफिन भी अच्छा है वहाँ पे और जनरल मेडिसिन पीडिया जनरल सर्जरी टीबी एंड चेस्ट में तो आपको जो फीस स्टार्ट होती है इट स्टार्ट फ्रॉम ट्वेंटी है जिस आई टोल्ड यू बैक कि ये नॉन माइनोरिटी आपको चीजें मिल जाए माइनोरिटी कॉलेज आपको मिल जाएंगे फीस ऑफ थर्टी टू फोर्टी लाख रुपीज पर एन एम हरियाणा इन एचपी देर इज वन ओनली सिंगल कॉलेज देट इज एम एम यू सोलन वन ईयर बॉन्ड इज देर सो यू हैव टू बी केयरफुल बिफोर चूजिंग एनी स्टेट पौंडीचेरी में यू मतलब आपको टाइफन है जो काफी कम मिलेगा बिहार में इजिली मिल जाएगा वेस्ट बंगाल में कम बजट में यू कैन गो और कर्नाटका में भी आपको फीसिस कम रहेंगी बट वही है कि वहां पे थोड़े से जो एक्स्ट्रा चार्जेस हिड इन चार्जेस है काफी सारे हैं ठीक है तो यू नीड टू प्रिपेयर अ बजट बजे जिसमें आपको आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे कौन कौन से एक्स्ट्रा चार्जेस हैं कभी भी आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपको कॉलेज सिलेक्शन अच्छे से आनी चाहिए आप जिस भी कॉलेज के लिए देख रहे हैं कि वहाँ पे वो आपकी ब्रांच है या नहीं अगर ब्रांच है तो वो लास्ट ईयर कितने पे खत्म हो गई थी ठीक है तो सारी चीजों को आपको पता होना चाहिए एंड फॉर दैट यू नीड ए एक्सपर्ट काउंसलर ठीक है यू कैन हायर एनी ऑफ काउंसलर यू कैन ऑल्सो चूज अस बट uh, आपको जो काउंसलिंग है वो अच्छे से होनी चाहिए ठीक है बिना काउंसलिंग के आपको ऐसा भी हो सकता है कई बार की कि अगर किसी स्टूडेंट के uh, बिल्कुल कम मार्क्स से इवन ही और शी जस्ट क्वालिफाइड उसको अच्छे uh, अच्छी ब्रांच मिल गई और कम फीस के साथ ठीक है और आपके इतने अच्छे मार्क्स और रैंक होने के बाद भी यू वॉन्ट गेट एनी सीट जस्ट बिकॉज की आपकी काउंसलिंग अच्छे से नहीं हुई थी ठीक है तो आपकी काउंसलिंग बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए और बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है काउंसलिंग ठीक है आपकी कंप्लीट कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसीजर में कंप्लीट ठीक है सो तो उसके लिए आप हमें हायर कर सकते हैं हमारी टीम को कर सकते हैं नंबर नीचे कॉल आ जाएगी ठीक है तो आप सारी चीज आप देख सकते हैं ठीक है और हमारे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना मार्क्स डिटेल्स लिख के हम आपको बताएंगे आपको इतने मार्क्स पे क्या क्या चीजें अवेलेबल मिल सकती हैं और अगर कोई स्टूडेंट है जिसके 350 से भी कम है सो देर ऑल्सो ऑप्शन अवेलेबल फॉर देम यू कैन कॉन्टेट कॉन्टेक्टर्स एंड आस्क फॉर द ऑप्शन ठीक है और ई एन टी एफ और साइकेट्री एमरजेंसी मेडिसिन की बात करें तो फीस ठीक है लोअर में अगर आप देखना चाह रहे हैं एनस्टेशन याट्री देखना चाह रहे हैं तो आपको एंड इट गो स्टिल्वेंटी ट्वेंटी स्टेट अवेलेबल फॉर यूज आर तेलंगाना हरियाणा आंध्र प्रदेश एम पी एंड कर्नाटका एम पी में पार्शली काउंसलिंग की जाती है uh, राउंड थर्ड में यू यू विल गेट एलिजिबल सो so बेसिकली आपको थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे रहता है एमपी में सो यू हैव टू बी मतलब आपको एक ऐसा स्टेट देखना चाहिए जहाँ पे आपको स्टार्टिंग से ही आपको वहाँ पे एनरोल कर ले रजिस्टर कर ले जैसे हरियाणा देख सकते हैं तेलंगाना कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश सो दीज आर द स्टेट्स दस यू कैन गो इन डायरेक्टली फर्स्ट राउंड ठीक है यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट राउंड तो ये थे अभी ऑप्शन 350 फिफ्टी से लेकर फोर हंड्रेड स्टूडेंट मार्क्स हैं 400 तक उनके लिए ऑप्शन अवेलेबल इसके अलावा 450 की फोर 450 फिफ्टी से फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड से फाइव फिफ्टी ठीक है अभी नेक्स्ट भी वीडियो आ जाएगी जिनके स्टूडेंट्स हैं जो 291 से लेके जाए 350 तक जिनके मार्क्स हैं उनके लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं ठीक है तो वो आपको मिल जाएगी थोड़े दिन में वो आपके वीडियो अपलोड कर देंगे हम तो अगर आपको कोई क्वारी है कोई डाउट है यू कैन अस उंसलिंग सर्विसेज ले सकते हैं नंबर नीचे दिया है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं सारे अपडेट आपको वहां पे मिलते रहेंगे और इसी के साथ आपसे लेंगे गुड बाय अभी के लिए थी ये वीडियो मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट गुड बायर